नमस्कार, मैं हूं राहुल शर्मा और आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज़। स्वागत है आपका हमारे इस खास प्रोग्राम में। आज हम अपने प्रोग्राम में बात कर रहे हैं राजा भैया की। जी हाँ, अखिलेश यादव और राजा भैया के बीच में इन दिनों जो दरार है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। राजा भैया पर अखिलेश यादव ने एक बयान दिया। अखिलेश यादव ने कहा कि अब उन्हें भरोसा नहीं है राजा भैया पर, क्योंकि राजा भैया अब बदल चुके हैं। देखिए, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने राज्यसभा चुनाव में रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया के समर्थन को लेकर बड़ा बयान दिया। अखिलेश ने कहा कि लगता है नहीं है कि वो हमारे साथ हैं। दरअसल यूपी में हाल ही में राज्यसभा की 10 सीटों पर चुनाव हुए, जिसमें एक सीट पर बहुजन समाज पार्टी के टिकट पर भीमराव अंबेडकर ने चुनाव लड़ा और वो हार गए। इस चुनाव में राजा भैया की भूमिका को लेकर बड़े सवाल उठे। अखिलेश यादव ने अपनी बातचीत के दौरान कहा कि राज्यसभा चुनाव के दौरान राजा भैया को बधाई वाला ट्वीट डिलीट किए जाने के सवाल पर कहा, ट्वीट तो भावना है, आप हमारे साथ हैं तो हम साथ हैं और खिलाफ हैं तो दूर रहिए। जिस तरह से उन्होंने बोल दिया है, अगर आप हमारे साथ हैं तो साथ रहिए, अगर दूर हैं तो हमारे खिलाफ, यानी कि हम आपके खिलाफ हैं तो दूर रहिए, साफ साफ इशारा कर दिया है राजा भैया की तरफ। क्योंकि जब राज्यसभा चुनाव में राजा भैया को लेकर कई तरह के कयास लगाए जा रहे थे, समाजवादी पार्टी के जो अध्यक्ष हैं अखिलेश यादव को ऐसा लग रहा था कि राजा भैया उन्हें वोट करेंगे, लेकिन राजा भैया ने खुले तौर पर तो ये कह दिया था कि वो उन्हें वोट करेंगे, लेकिन अंदर ही अंदर उन्होंने BJP के लिए वोट किया था। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि राजा भैया ने अखिलेश यादव की पीठ पर छुरा फूंक दिया। उन्होंने कहा कि राजा भैया के बारे में उन्हें कुछ कहना नहीं है। पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा, हम कम से कम आंखें खुल जाए ये बहुत अच्छा रहता है, हमें तो नहीं लगता कि वह हमारे साथ है। साफ साफ उन्होंने कह दिया, क्योंकि राजा भैया के हाव भाव उनके कह सकते हैं जिस तरह की उनकी एक अलग उनके अंदर छवि देखने को मिली, और जिस तरह से राज्यसभा चुनाव के दौरान एक अलग रूप देखने को मिला राजा भैया का, उससे कहीं ना कहीं अखिलेश यादव नाराज़ हैं। और कहीं ना कहीं अखिलेश यादव को भी इस बात का पता चल गया है कि राजा भैया ने क्रॉस वोटिंग की थी और उन्हें वोट नहीं किया था। रिपोर्ट्स की तरफ दोबारा मैं रुख कर लेता हूँ। देखिए, योगी से मिले थे राजा भैया राज्यसभा चुनाव में, सपा और BSP के बीच एक दूसरे को समर्थन देने का करार हुआ था। मायावती ने अखिलेश यादव के वादे पर अपना उम्मीदवार उतारा था, लेकिन कई विधायकों के खुलकर क्रॉस वोटिंग होने से उन्हें हार का सामना करना पड़ा। जी हाँ, देखिए, राज्यसभा चुनाव के दौरान क्रॉस वोटिंग हुई। किसी को अंदाज़ा नहीं था कि क्रॉस वोटिंग होगी, और क्रॉस वोटिंग में जो नुकसान हुआ वो हुआ बसपा को, क्योंकि अगर बात करें बसपा ने जो है उम्मीदवार उतारा था भीमराव अम्बेडकर को, वो चुनाव हार गए। और कहीं ना कहीं राजा भैया पर भी कई सवाल खड़े हो गए कि आखिरकार क्यों उन्होंने क्रॉस वोटिंग की और BJP का साथ दिया। आपको मैं यहाँ पर बता दूं कि अखिलेश यादव खुले तौर पर ये कह रहे थे कि उन्हें राजा भैया पर पूरा पूरा भरोसा है, वो हमें ही वोट करेंगे। और उन्होंने कहा कि हमारे काफ़ी अच्छे रिश्ता भी है उनसे, तमाम तरह की बातें उन्होंने अपनी बातचीत में तो कही थी, लेकिन जब वोटिंग हुई और नतीजा जब देखने को मिला और कहीं ना कहीं इस बात की सुखबुगाहट अखिलेश यादव तक पहुंच गई कि राजा भैया ने क्रॉस वोटिंग की है और वोट उन्हें नहीं दिया है, तो इस वजह से अखिलेश यादव नाराज़ हो गए। और जैसा कि नाराज़गी इस कदर बढ़ गई तो उन्होंने ये भी कह दिया, अगर आप साथ हैं तो साथ रहिए, अगर आप नफ़रत करते हैं या आप तो आप दूर रहिए। जी हाँ, इतना कह दिया है अखिलेश यादव ने। और अखिलेश यादव कहीं ना कहीं राजा भैया पर बहुत ज़्यादा गुस्सा भी है। जी हाँ, उनकी बातों से साफ तौर पर नज़र आ रहा है, क्योंकि जिस तरह से राजा भैया ने क्रॉस वोटिंग की उसका अंदाज़ा अखिलेश यादव को बिल्कुल भी नहीं था। अखिलेश को इस बात की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि राजा भैया ऐसा करेंगे, लेकिन राजा भैया ने एंड टाइम पर पलटी मारी और BJP के लिए वोट किया। तो ऐसे में अखिलेश यादव के कह सकते हैं करीबी कहे जाने वाले राजा भैया ने जिस तरह से क्रॉस वोटिंग करके BJP के लिए वोट किया है, ये कहीं ना कहीं अपने आप में दर्शाता है कि BJP की तरफ रुख
जा रहा है राजा भैया खां, और कहीं ना कहीं वो बीजेपी की तरफ जाना चाह रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने वोट किया और कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ से भी उन्होंने मुलाकात की थी। जी हाँ, आपको मैं यहाँ पर बता दूँ कि योगी से मिले थे राजा भैया। राज्यसभा चुनाव में सपा और बीएसपी के बीच एक दूसरे को समर्थन देने का करार हुआ था। मायावती ने अखिलेश यादव के वादे पर अपना उम्मीदवार उतारा था, लेकिन कई विधायकों ने खुलकर क्रॉस वोटिंग होने से उन्हें हार का सामना करना पड़ा। राजा भैया भी राज्यसभा में वोट डालने के बाद सीधे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात करने के लिए चले गए थे। देखिए, मायावती ने अखिलेश यादव पर भरोसा जताया। भरोसा इसलिए जताया क्योंकि उन्हें पूरा विश्वास था कि अखिलेश यादव पूरी कोशिश करके उनके उम्मीदवार को राज्यसभा में भेज देंगे। लेकिन जिस तरह से एंड टाइम पे क्रॉस वोटिंग शुरू हो गई, उससे कहीं ना कहीं इनको बहुत, जी हाँ, सपा को बहुत बड़ा नुकसान हुआ, साथ ही साथ बसपा को भी नुकसान हुआ, क्योंकि इस बात की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं जताई जा रही थी कि इस तरह से क्रॉस वोटिंग होगी। आपको बता दूं कि बीएसपी के एक नेता थे, उन्होंने भी क्रॉस वोटिंग की और बीजेपी के लिए वोट किया। इससे मायावती कहीं ना कहीं नाराज हो गई, और साथ ही साथ जिस तरह से एंड टाइम पर गेम पलट गया, उससे बहुत बड़ा झटका लगा मायावती को और अखिलेश यादव को। लेकिन राजा भैया की अगर हम बात करते हैं, तो क्या राजा भैया अब अखिलेश यादव से नाता तोड़ने की सोच रहे हैं? जी हाँ, क्योंकि अखिलेश यादव से बहुत गहरा नाता है राजा भैया का, और जिस तरह से योगी आदित्यनाथ की तरफ वो रुक रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जिस तरह से उन्हें लग रहा है कि योगी कहीं ना कहीं उन्हें बाहर निकलवाएंगे, उनकी मुसीबतों का हल करेंगे, तो ऐसे में ये कहा जा सकता है कि योगी ही राजा भैया के लिए अब एक मसीहा बन गए हैं, और योगी आदित्यनाथ ही उन्हें जेल से बाहर निकलवाने में उनकी शायद मदद भी कर सकते हैं। देखिए, राजा भैया भी राज्यसभा में वोट डालने के बाद सीधे, जैसे कि मैंने आपको बताया, योगी आदित्यनाथ से मुलाकात करने के लिए चले गए थे। सपा बसपा का साथ नहीं था पसंद। हालांकि राजा भैया ने सपा बसपा गठबंधन पर पहले ही नाराजगी जता दी थी। उन्होंने कहा कि वह सपा के साथ है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि वह बीएसपी उम्मीदवार को वोट देंगे। उन्होंने एक ट्वीट में कहा था, ना मैं बदला हूँ, ना मेरी राजनीतिक विचारधारा बदली है, मैं अखिलेश जी के साथ हूँ का ये अर्थ बिल्कुल नहीं कि मैं बसपा के साथ हूँ। अखिलेश यादव ने भी सपा को वोट करने के लिए राजा भैया का शुक्रिया अदा किया था, लेकिन बाद में संदेह होने पर उन्होंने अपने ट्वीट को हटा दिया था। यानी कि चुनाव में जब वोटिंग हो गई थी और राजा भैया ने वोट डाल दिया था, उसके काफ़ी समय तक जो है अखिलेश यादव को ऐसा लगा कि राजा भैया ने उनके लिए वोट किया है। फौरन ट्वीट किया गया और राजा भैया को शुक्रिया अदा किया गया। लेकिन जब कुछ समय बाद ये पता चला कि क्रॉस वोटिंग हुई है और राजा भैया ने क्रॉस वोटिंग करते हुए बीजेपी को वोट किया है, तो ऐसे में अखिलेश यादव नाराज हो गए और फटाफट से वो ट्वीट हटा लिया गया जिसमें राजा भैया का शुक्रिया अदा किया गया था। बीजेपी ने राजा भैया को बताया राम का अवतार। देखिए, इन चुनाव में बीएसपी को मात देकर विजयी हुई बीजेपी के अनिल अग्रवाल ने 2 दिन पहले ही राजा भैया का शुक्रिया अदा करते हुए कहा था, निर्दलीय विधायक राजा भैया ने उनकी नैया को बिल्कुल राम अवतार में पार करवाया। उन्होंने अपनी बातचीत में कहा कि दो प्रमुख खिलाड़ियों ने बीजेपी की किस्मत ही बदल कर रख दी। उन्होंने कहा, राजा भैया एक पवित्र हिंदू हैं जिनके घर का नाम भी रामायण है, उन्होंने राम अवतार में आकर मेरी जीत सुनिश्चित की है। और कुंडा के गुंडा राज्यसभा चुनाव में हार के बाद मायावती ने अखिलेश यादव को उनके सहयोग के लिए धन्यवाद दिया। साथ ही अखिलेश को सलाह दी थी कि यदि अखिलेश कुंडा के जाल में ना फंसते तो बीएसपी प्रत्याशी जीत जाता। उन्होंने कहा कि अखिलेश अभी राजनीति में नए हैं, इसलिए उनसे यह गलती हुई। मायावती ने पहले ही साफ कर दिया था कि राजा भैया जो है वो सही नहीं है, और उन्होंने ये भी कहा था, देखिए, कुंडा के गुंडा, जी हाँ, कुंडा के जाल में अगर नहीं फंसते तो ऐसा नहीं होता। यानी कि अखिलेश यादव राजा भैया के जाल में फंस गए, और राजा भैया के जाल में फंसते ही राजा भैया ने उन्हें अपने हाथ में ले लिया, और साथ ही साथ उन्हें ये तो विश्वास दिलवाया कि
मैं आपके साथ हूँ, लेकिन पीठ पीछे तो कुछ और ही था। जी हाँ, पीठ पीछे क्रॉस वोटिंग हुई जिसमें उन्होंने बीजेपी के लिए वोट किया। तो ऐसे में जिस तरह से अखिलेश यादव और राजा भैया के बीच में दूरियां बन गई, लेकिन कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ और राजा भैया के बीच में जो नज़दीकियां आ गई हैं, उससे एक बात तो साफ है कि राजा भैया की नैया को अगर कोई पार लगा सकता है तो वो इस समय योगी आदित्यनाथ है। तो कहीं ना कहीं राजा भैया को उन पर पूरा विश्वास है। देखते हैं उनका ये विश्वास आगे की तरह जो है सही साबित होता है। तो बहरहाल आज के इस प्रोग्राम में इतना ही। अगली बार आपसे दोबारा मुलाकात होगी, तब तक ले जाते दीजिए, नमस्कार।